नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक हत्या का मामला सामने आया, जहां पर बेटे ने अपने पिता की प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि पिता के एक महिला के साथ संबंध थे, जिसे लेकर घर में हमेशा झगड़ा होता था। रोज रोज के इस कलह कले से परेशान होकर 20 साल के बेटे ने पिता की माशुका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर धारदार चाकू से वार कर महिला की हत्या कर दी। यह मामला चंद्रपुर के रामनगर पुलिस थाने के तहत आने वाला रमाबाई नगर का है। पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 32 साल है और उसके 3 बच्चे भी हैं। वो अपने पति से अलग रहती है। वही मृतक महिला के प्रेमी की उम्र करीब 55 साल है। पुलिस ने हत्या के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पुलिस को कई अहम जानकारियां मिलती गई। मृतक महिला की एक बेटी और 2 बेटे हैं। वो पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग रह रही है। उसका पति किसी दूसरे राज्य में अपने बच्चों के साथ रहता है, जिसकी खोज खबर निकाली जा रही है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे अपने पिता की ऐसी हरकत अच्छी नहीं लगती थी। उसने कई बार पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जिसके कारण घर पर रोज रोज झगड़े होते थे। इस मामले में जांच अधिकारी सुधीर नंदनवार ने बताया कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हत्यारे ने महिला के गले और पीठ पर वार किए थे। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।